हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। स्टूडेंट्स, बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को ऑब्जर्व किया, उसके पहले एडिशन ऑफ मैट्राइसिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को देखा है। अब बच्चों, हमें डिवीजन तो यहाँ पे मैट्रिक्स में अवेलेबल नहीं होता है, उसकी जगह पे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, इन्वर्जन होता है। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक है वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा आज के सेशन में। वैसे तो डिटर्मिनेंट्स मैंने टाइटल दिया हुआ है मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट भी एक चैप्टर ही है जैसे मैट्रिक्स है। इट इज़ ऑल्सो एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स जो होता है बच्चों, उसमें हमें पता है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो अगर, तो वो जो अरेंजमेंट है वो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर रोज कॉलम्स अलग अलग हो सकता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑर्डर कहते हैं, वी हैव टू रोज एंड थ्री कॉलम्स, ठीक है। इट इज़ मियरली सिंपली एन अरेंजमेंट, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, खाली उतना कहते हैं। डिटर्मिनेंट है तो बच्चों उसमें ऐसा ऑर्डर कभी भी नहीं हो सकता, सबसे पहला पॉइंट। तो डिटर्मिनेंट विल बी ऑलवेज ऑफ द स्क्वायर ऑर्डर, यानी 2x2 होगा, 3x3 होगा, और उसे हम बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास थ्री वैरायटी ऑफ ब्रैकेट्स है, अरेंज कर दिया, खत्म हो गया, बस कुछ नहीं कर सकते। वाइल डिटर्मिनेंट हैज सम वैल्यू, ठीक है, तो अब वो कैसे ढूंढना चाहिए? तो डिटर्मिनेंट में सबसे देख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्डर 2x2। अब वैल्यू कैसे ढूंढनी चाहिए तो वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे। जनरल फॉर्म में जैसे हमने मैट्रिक्स का फॉर्म देखा था वैसा ही इसका होता है। अनफॉर्चुनेटली सिलेबस में ये पूरा चैप्टर नहीं है, अदरवाइज वो भी हम समझते, पुराने सिलेबस में ये हुआ करता था, ठीक है। तो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट एक है कि इन मैट्रिक्स एंड इन डिटर्मिनेंट्स, दे बोथ आर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। डिफरेंस है बच्चों बुक के अंदर, सुधीर पब्लिकेशन की जो बुक है, गुजरात यूनिवर्सिटी में हम यूज़ करते हैं, पेज नंबर 83 पे इसके डिफरेंसेस दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर ही रहे हैं लाइव। तो इसके अंदर पहला डिफरेंस है दैट इन मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में बी डिफरेंट, वाइल इन डिटर्मिनेंट दे मस्ट बी सेम। पॉइंट नंबर टू है कि मैट्रिक्स इज सिंपली एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, इट डज नॉट पजेस एनी वैल्यू, वाइल डिटर्मिनेंट हैज सम वैल्यू। अब वो कैसे ढूंढना चाहिए तो बच्चों, तो मेन डायगोनल है, इसे प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल कहा जाता है, उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी A11 इंटू A22, दी अदर एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो, A12 इंटू A21, और बीच में होती है यूजुअल साइन माइनस, ठीक है। तो ये वैल्यू ढूंढने का तरीका 2x2 डिटर्मिनेंट के लिए है। 3x3 के लिए कुछ और टेक्निक है, वो भी मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सपोज यही अगर हम ले लें फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 वाला डिटर्मिनेंट, तो उसकी वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? तो जैसा अभी हमने कहा, हम करेंगे 1 into 4, देन द अदर प्रोडक्ट 2 into 3, यूजुअल साइन हमेशा माइनस। ये माइनस क्यों, वो भी आज के सेशन में हम देखेंगे बाद में। तो दिस इज 4 - 6 यानी -2, सो दिस डिटर्मिनेंट हैज वैल्यू -2, यानी मैट्रिक्स में वैल्यू नहीं होती, वो खाली अरेंजमेंट है, वाइल इन डिटर्मिनेंट इट हैज सम वैल्यू जो कि हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। बच्चों, अब ऐसे ही अगर 3x3 का डिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू आप कैसे ढूंढोगे? तो उसके लिए हमें 2-3 टर्म्स ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एक एग्जांपल में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3x3, उसमें जनरल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, एक प्यारा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोज एक डिटर्मिनेंट है 3x3 वाला, ठीक है, सपोज 1 2 3 है, -1 0 -2, 1 3 and -3, ठीक है। रैंडमली एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, तो अब इसकी वैल्यू ढूंढनी है। मगर बच्चों, वैल्यू ढूंढने के पहले हमें कुछ टर्म्स ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले है माइनर ऑफ एन एलिमेंट। अब ये माइनर जो है, इट इज़ कनेक्टेड टू डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट, तो इसका मीनिंग पूछने के चांसेस कम रहते हैं। फिर भी अगर हम रफली कहें, मैं मीनिंग तो है वो हमारी मटेरियल कॉपी में है ही, मैं यहाँ पे वो पूरा मीनिंग नहीं लिख रहा, बट एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हो बच्चों डिटर्मिनेंट के अंदर, उतने माइनर मिलेंगे। अब मेजर माइनर, ये वर्ड थोड़ा थोड़ा सुना हुआ लग रहा है इंग्लिश में, कैसे ढूंढना चाहिए? तो सपोज 1 के लिए मैं बात करता हूँ, फिर इसका मीनिंग भी डिफाइन करता हूँ, ठीक है। सो माइनर ऑफ एन एलिमेंट
ठीक है, पहला एलिमेंट जो हमारे पास वन है उसका माइनर फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या चाहिए, तो मीनिंग जो हमें कह रहे हैं कि जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना हो हमें बच्चों, उसमें से पास होती हुई रो, यानी डिलीट द रो कंटेनिंग द एलिमेंट एंड द कॉलम कंटेनिंग द एलिमेंट, यानी हमें इन पांचों एलिमेंट्स को रिमूव करना है। पेंसिल से स्टार्टिंग में इस तरह से आप लाइन करोगे तो आपको क्लियरली विजन में चार एलिमेंट दिखेंगे। वन लोअर ऑर्डर डिटर्मिनेंट विल बी ऑब्टेन, यानी अ लोअर ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द रो एंड द कॉलम कंटेनिंग द एलिमेंट इज नोन एज माइनर ऑफ एन एलिमेंट। तो बच्चों ऐसे हम कह सकते हैं माइनर ऑफ द एलिमेंट के लिए। तो बचे हुए चार एलिमेंट्स जो हमारे पास है बच्चों, उसका डिटर्मिनेंट यानी उसे हमने लिखना है सिंपली, तो ये होगा 0, -2, 3 एंड -3। और इसे तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे टेक्निक सिखाई, मेन डायगोनल है उसे मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें यानी 0, दी अदर डायगोनल मल्टीप्लाई करना चाहिए -6, यूजुअल साइन हमेशा रखेंगे हम माइनस। तो ये जो वैल्यू है बच्चों वो हमें मिलेगी -, -, +, तो हमारा फाइनल आंसर होगा +6। ठीक है, यानी माइनर ऑफ एन एलिमेंट जो है वो आपको एक लोअर ऑर्डर डिटर्मिनेंट मिलेगा। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करके हमें फ्यूचर में आगे वैल्यू ढूंढनी है 3x3 डिटर्मिनेंट की। एक और एलिमेंट लेते हैं, ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए बच्चों हम कर सकते हैं ये काम, यानी हर एक के लिए आपको रो कॉलम डिलीट करना होगा। यानी अब जो है मैं दूसरे एलिमेंट पे जाऊंगा, ये दो को वापस लिख देते हैं, पहली रो का आप दूसरा एलिमेंट लेंगे। जब आपको स्टार्टिंग है तब थोड़ा सा ये पेंसिल इसी तरह से यूज़ करना है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। डिलीट द रो एंड द कॉलम कंटेनिंग एलिमेंट 2, यानी अब हम लिखने वाले हैं माइनर ऑफ एलिमेंट 2। ठीक है, तो उसके लिए अभी आप देख सकते हो क्रॉस ऑफ कर लिए एलिमेंट्स, बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स है -1, -2, 1 एंड -3, उससे हमें एक लोअर ऑर्डर डिटर्मिनेंट मिलेगा जो कि मिल चुका है। मल्टीप्लाई करेंगे, पहले का प्रोडक्ट होगा +3, दी अदर प्रोडक्ट इज -2, यूजुअल साइन होगी बीच में माइनस, सो -, -, विल बिकम प्लस, सो 3 + 2 हमें जो आंसर मिलेगा लास्ट वो हमारा आंसर होगा 5। तो ये मिल गया बच्चों हमें हमारा दूसरा एलिमेंट। वैसे ही एक और एलिमेंट यानी लास्ट एलिमेंट ढूंढ लेते हैं। वैसे 9 एलिमेंट्स हम हैं, हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, 9 माइनर्स ढूंढ सकते हैं जब ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स में, तब ये भी हमें करना ही होगा। अब एलिमेंट 3 की बात करता हूँ, अब मैं इसमें रो कॉलम पूरा डिलीट करके नहीं दिखाऊंगा, ऐसे लाइन करके आपको खाली ऐसे विजुअलाइज करना है, ये कैंसिल होते हैं तो बचता क्या है, तो कॉर्नर पूरा बनता है, -1, 0 बचेगा। ठीक है, यानी माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट 3 अगर कहते हैं बच्चों, ये वाले 3 की बात कर रहे हैं, रो डिलीट करो कॉलम डिलीट करो, बचे हुए चार एलिमेंट्स यानी -1, 0 एंड 1, 3, तो मेन डायगोनल मल्टीप्लाई करना है -3, दी अदर पार्ट इज 0, तो इसका आंसर हमें मिलेगा बच्चों -3। ठीक है, तो ये जो है वो हुआ हमारा माइनर ऑफ एन एलिमेंट। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3x3 की ढूंढनी है, तो उसके लिए हमें एक और जो हिस्सा है वो समझना पड़ेगा, जिसके लिए साइंस की जरूरत होती है। साइन कुछ डिफाइन की गई है मैथमेटिक्स में, तो डिटर्मिनेंट में हम यहां पे बात करते हैं। ठीक है, फॉर 2x2 डिटर्मिनेंट्स वो साइन जो है वो दी गई है हमें +, -, -, +। फॉर 3x3 डिटर्मिनेंट बच्चों ये -, +, कैसे दिए गए इसके लिए मैं आपको ऑफलाइन क्लास में समझाऊंगा, और जिनको जानना है कि ये कैसे आता है तो मेरा नंबर है ही, व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी एक नंबर है आप उसके ऊपर पूछ सकते हो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। क्यों यहाँ पे प्लस ही आता है दो जगह पे, क्यों वहाँ पे माइनस ही आता है, तो उससे रिलेटेड। ठीक है, तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट के बाद अब जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें आता है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे का हिस्सा है वही यूज़ करना है। ठीक है, और आपको पूरा मिल जाएगा ये नया पार्ट जिसका यूज़ करके हम फाइंड करने वाले हैं
एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड उसके ऊपर से हमें मिलेगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि हमारे चैप्टर का टॉपिक वाइज अगर कहे तो लास्ट कॉन्सेप्ट है बट सबसे लेंथी कॉन्सेप्ट भी ये रहेगा। तो को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट यानी क्या? सो सिंपली को फैक्टर ऑफ एलिमेंट वन ढूंढना है तो हमें करना कुछ ज़्यादा नहीं है, माइनर आपके पास होना चाहिए, उसके साथ पर्टिकुलर साइन ऑफ द एलिमेंट, यानी थ्री बाई थ्री में हर एक एलिमेंट के लिए नीचे मैंने ये डिटर्मिनेंट वैसे ही जिंदा रखा हुआ है, आप जब भी कॉपी करो बच्चों तब ये साइन के बाद नीचे इसे फिर से लिखना तो रेफरेंस में पता चलेगा, ठीक है। तो क्रॉस में प्लस रहता है, चार जगह पे माइनस, तो पहली जगह जो है ये वन वाली जिसका हमने अभी माइनर ढूंढा था, माइनर के साथ अगर साइन लगा दी जाए बच्चों, ओनली साइन यानी मैं खाली प्लस करता हूँ, ज़्यादा कुछ प्लस की वजह से तो बच्चों आपको पता ही चल रहा है फ़र्क पड़ेगा नहीं आंसर के अंदर, ठीक है। तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस की वजह से, ठीक है। अगर मैं पीछे प्लस लगाता हूँ तो भी आंसर हमारा प्लस सिक्स था, वो प्लस सिक्स का प्लस सिक्स ही रहेगा, ठीक है। मगर दूसरे एलिमेंट के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं साइन एलिमेंट टू, तो उस एलिमेंट टू के लिए नेचुरली उसकी साइन जो है माइनस, यानी आगे जो है बच्चों माइनस अप्लाई हो जाएगा पूरे में, ठीक है। यानी जो आंसर हमें पहले मिल रहा था प्लस फाइव, उसकी जगह पे अब आंसर हमें मिलेगा माइनस फाइव। तो खाली फर्क जो है बच्चों वो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएंगे कि को फैक्टर में खाली फर्क क्या पड़ता है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा साइन का, मगर कहाँ पे फर्क पड़ेगा? चार जगह पे, ठीक है। यानी अब को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्लेन करना है तो सिंपली वी कैन राइट इट एज को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज नथिंग बट इट इज द माइनर ऑफ एन एलिमेंट विथ इट्स पर्टिकुलर साइन, ठीक है। माइनर विथ इट्स पर्टिकुलर साइन, साइन के लिए अब हमारे पास ये लिस्ट रेडी है, ठीक है। तो हमें आराम से मिल जाएगा ये हिस्सा, तो तीसरे के लिए भी अब वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन में, क्योंकि तीसरे में साइन जो है वो प्लस होती है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ये साइन हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी प्लस साइन अप्लाई करोगे तो प्लस माइनस तो क्या होगा? माइनस। यानी हमेशा याद रखना है चेंज कहाँ पे होगी साइन? जहाँ पे माइनस है, यानी चार जगह पे, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो बच्चों अब हम तैयार हैं, हम फाइंड कर सकते हैं अब हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, थ्री बाई थ्री डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढने के लिए अब हमें करना है हमारा काम, जिसमें ये जो कॉन्सेप्ट है को फैक्टर वाला वो हेल्प करेगा बच्चों। तो चलिए ढूंढ लेते हैं अब हमारे इस थ्री बाई थ्री डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट मैं लिख देता हूँ फिर से, फिर नीचे जगह की ज़रूरत है इसलिए इसे मैं हटा दूंगा अब। सो कैसे ढूंढनी चाहिए वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट? तो कोई भी थ्री बाई थ्री या हायर डिटर्मिनेंट है या लोअर ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो आपको करना क्या है, कितनी रोज है, कितनी कॉलम्स है। वी हैव थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स, टोटल छः तरह से जितनी रोज एंड कॉलम्स है उनका टोटल करने का, थ्री प्लस थ्री सिक्स, छह तरह से हम ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढेंगे। आंसर कोई भी एक तरह से ढूंढोगे बाकी पांचों के लिए सेम मिलेगा, छह के छह तरह से करने से वैल्यू तो सेम ही मिलेगी। हम छह मेथड से एक्सप्लेन नहीं करने वाले, हम यूज करेंगे जनरली फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो में याद रखना है हमेशा ऐसे साइन लिखेंगे, पहली रो की साइन होती है प्लस माइनस प्लस। अब कैसे मिलती है वैल्यू इसकी? तो पहली रो के जितने भी एलिमेंट्स है उनको उनके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है एंड उन्हें ऐड करना है, या फिर कहे तो पहला एलिमेंट जो है हमारा वो क्या है, वन, तो उसके साथ उसका को फैक्टर अभी अभी हमने ढूंढा है को फैक्टर यानी विथ साइन माइनर। बच्चों साइन हम उसके आगे लिखेंगे एंड माइनर जो है यानी को फैक्टर ये पूरा हो गया। यहाँ से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, रो कॉलम डिलीट करो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स, सेकेंड एलिमेंट की साइन माइनस है यानी विथ साइन हम रखेंगे, एलिमेंट है टू इसका माइनर यानी जो हमने अभी रेडी किया है, रो कॉलम डिलीट करो, आप ढूंढ भी सकते हो, रो कॉलम डिलीट करो। थर्ड एलिमेंट की साइन प्लस है, वैसे तो बोला जाता है एलिमेंट्स एंड देयर को फैक्टर देन ऐड देम अप, बट हम ऐड करने में यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हम साइन ऑफ द एलिमेंट ही लिखेंगे आगे हमेशा। पहले में अगर प्लस नहीं लिखोगे तो वैसे चलेगा बच्चों, क्योंकि पहले में तो नेचुरली हम प्लस साइन ही समझते हैं, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट थ्री के लिए उसका माइनर यानी को फैक्टर साइन के साथ कह सकते हैं हम। अब इसको सॉल्व करना है, वैल्यू तो हम वैसे भी ढूंढ चुके हैं बट जब भी वैल्यू ढूंढते हैं तब हम पूरा फिर से ढूंढेंगे, थ्री टू जा माइनस सिक्स, यूजुअल साइन माइनस, यहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस थ्री,
the other product minus, usual sign minus, product minus 3, पीछे वाला product 0, usual sign minus, यानि इसमें आया minus minus plus 6, इसमें आया 3 plus 2 यानि 5, और इसमें आया minus 3, so this is 6, 5 to the 10 and minus 9, ठीक है, so हमें answer मिल रहा है बच्चों, minus 13, अब क्वेश्चन होगा कि 3 बाई 3 में हमने ऐसे किया तो 2 बाई 2 में आंसर में पहले ऐसे मेन डायगोनल देन अदर डायगोनल यूजुअल साइन ऑलवेज माइनस क्यों थी, ठीक है, तो उसका भी बच्चों हम यहाँ पे सॉल्यूशन लाएंगे क्वेश्चन का, क्योंकि वहाँ पे भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे अभी हमने यूज किया था वो डिटर्मिनेंट था 1, 2, 3, 4, इसके लिए भी हमारे पास साइन होती है प्लस माइनस, कोई भी ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो, हायर ऑर्डर हो 4 by 4, 5 by 5, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है, इसलिए हमारे सिलेबस में 3 by 3 तक के ही डिटरमिनेंट्स हैं, मैट्राइसिस हैं, तो इसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट है, जो एलिमेंट है उसके साथ साइन लिखो, साइन लिखी, देन रो डिलीट करो कॉलम। अब बच्चों यहाँ पे रो कॉलम में 3 एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, बचेगा खाली अंदर 4, तो उसका छोटा ऑर्डर यानी सिंगल एलिमेंट बचेगा, 3 by 3 था तो हमें माइनर जो मिले वो 2 by 2 मिले, ओरिजिनल डिटरमिनेंट 2 by 2 है तो माइनर यानी 1 by 1 सिंगल एलिमेंट मिलेगा। सेकंड के लिए माइनस, बीच में बच्चों माइनस साइन क्यों होती है, क्योंकि सेकंड एलिमेंट की साइन ही नेगेटिव है, इस वजह से हम हमेशा रखते हैं माइनस, ठीक है। देन रो कॉलम डिलीट करो तो ये आएगा 3, तो ये टेक्निकली कैसे वैल्यू ढूंढनी चाहिए वो मैंने समझाया, अब आंसर आप देखोगे तो वही होगा 4 - 6 यानी -2, यानी 2 by 2 है तो उसमें ऐसा याद रखने की आवश्यकता जरा भी नहीं है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करो सीधा, देन दी अदर डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करो, काम हमारा इजीली हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों इतने कॉन्सेप्ट की जरूरत थी हमें, जिसका यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके पहले एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए ढूंढना है, तो अब देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड 2 by 2 एंड 3 by 3 का एक एक एग्जाम्पल। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा याद रखना है, एडजॉइंट हो इनवर्स हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही ढूंढा जाता है, यानी रो कॉलम अलग हो तो उसके लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, कंपल्सरीली स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो इसका जो मीनिंग है उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। करना क्या होता है, तो दो स्टेप में ये क्या काम होता है, द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैट्रिक्स का नाम हम ए लिख देते हैं तो नोटेशन भी इजीली समझ में आएगा, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स से, एंड उसका नोटेशन है बच्चों इट इज डेनोटेड बाय, आप देख सकते हो वैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, स्मॉल ए डी जे लिखा या यूज किया जाता है, देन एब्रिविएशन है इसलिए डॉट किया जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए डी जे ऐसा नहीं बोलते, इसे बोलना तो पूरा ही चाहिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से। करना क्या है, तो द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, यानी दो स्टेप में काम होगा, जो भी आपको मैट्रिक्स दिया जाए स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे 2 by 2 दिया जाए चाहे 3 by 3, हम सबसे पहले उसमें हर एलिमेंट की जगह पे उनके कोफैक्टर्स रखेंगे, देन उसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी दो स्टेप में, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, देन टेक इट्स ट्रांसपोज। तो अब वैसे तो समझ में आएगा नहीं बच्चों, तो चलो देख लेते हैं इसका एक छोटा सा प्यारा सा सम, पहले 2 by 2 का देखते हैं और फिर एक 3 by 3 वाला सम, और नेक्स्ट सेशन से हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में जा पाएंगे। अब एक्सरसाइज में बच्चों सम नंबर 22 है हमारे पास, जिसके अंदर पूछा है हमें फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसिस, दो क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल है बच्चों, तो उसमें हम दूसरा देख लेते हैं, 22 का सेकंड क्वेश्चन है फाइंड, अगर आपके पास बुक नहीं है तो उनके लिए ये मैं लिख रहा हूँ खास, फाइंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसिस, ऐसा लिखा हुआ है, वैसे ये का काम हम करने वाले हैं। अगर नामकरण में जैसे कि क्वेश्चन के अंदर पेज में पेज नंबर 105 इस बुक के अंदर उन्होंने नाम नहीं लिखा है तो जनरली हम मैट्रिक्स में ए लेने वाले हैं नाम उसका, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है -4, 3, 8 एंड 7,
तो अगर मीनिंग क्लियर ना हुआ हो बच्चों, तो इसीलिए तो ये एग्जांपल है, समझ में तभी आएगा। ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज यानी क्या होता है, जो कि हमने स्टार्टिंग के लेक्चर नंबर 1 में देखा था, दैट इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड देन द न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इट इज डेनोटेड बाय AT और A' ऐसा हमने कहा था, ठीक है। तो उसका यूज करना है, मगर ट्रांसपोज कब करना है, सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, वैसे तो पूरा लिखना चाहिए, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, यानी हर एलिमेंट की जगह पे उसको आपको, उसकी जगह पे आपको रखना है उसका कोफैक्टर, यानी सबसे पहले तो साइन लिख देनी है बच्चों, प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर जिस जगह पे आप खड़े हो उस जगह पे उसका कोफैक्टर रखना है, मैंने साइन रख दिया, यानी अब माइनर बाकी रहा, माइनस फोर की जगह पे डिलीट द रो एंड द कॉलम, यानी ये तीनों को कैंसिल करेंगे, बचेगा 7, तो उसके साथ जगह पे लिख देना है 7, प्लस यानी साइन 7 यानी उसका माइनर, प्लस 7 विल बी द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट माइनस 4, उस एलिमेंट की जगह पे उसके कोफैक्टर को रिप्लेस करना है, 3 के लिए रो डिलीट करो कॉलम, सामने वाला एलिमेंट ही आता है बच्चों, 8 उसका माइनर होगा विद साइन, ये बनेगा हाँ उसका कोफैक्टर, 8 के लिए रो कॉलम डिलीट करो, 2x2 में तो सामने क्रॉस में है वही आता है, तो ये होगा -3, सिमिलरली 7 के लिए होगा -4, तो बच्चों यहाँ पे जो है खाली इस जगह पे प्लस माइनस होगा यानी चेंज होगा, तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स छोटा सा प्यारा सा हमारा रेडी हो गया है, 7, -8, -3 एंड -4, जो हमारा मीनिंग है उसमें हमने कहा है द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, यानी ट्रांसपोज, सो अप्लाइंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज, या आप लिख सकते हो इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, देन वी कैन राइट द नोटेशन। नोटेशन लिखने के लिए आपको बच्चों पहले ट्रांसपोज अप्लाई करना होगा, कभी कभी लिखते हैं मगर अप्लाई करना भूल जाते हैं, तो याद रखना है ट्रांसपोज कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को लिखो एज फर्स्ट कॉलम, हॉरिजॉन्टल पार्ट है वर्टिकल लिखो, सेकेंड रो एज सेकेंड कॉलम, एंड द न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेंड इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ये प्रोसेस हुई, दो स्टेप में काम हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, वो कैसे ढूंढने का, ओरिजिनल एलिमेंट्स की जगह पे उनके कोफैक्टर्स को रख दो, फिर जो भी प्लस माइनस साइन अप्लाई होती है अप्लाई करो, एंड देन सिंपली टेक इट्स ट्रांसपोज, ठीक है। अब 2x2 में तो ज़्यादा कुछ लगा नहीं, मगर 3x3 में मज़ा आएगा, क्योंकि एलिमेंट्स 3x3 है तो उनके कोफैक्टर 2x2 हो गए, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू ढूंढने के लिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं बच्चों एक्सरसाइज में, ऐसा हमारे पास नेक्स्ट सम है, सम नंबर 23 एडजॉइंट का, तो देख लेते हैं सम नंबर 23। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी बच्चों दो क्वेश्चन दिए गए हैं, पेज नंबर 106 सुधीर पब्लिकेशन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो है बच्चों, दो स्टेप का काम है, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। सो द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, शॉर्ट में हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स लिख रहे हैं, एक छोटा सा, नहीं इतना भी छोटा सा मैट्रिक्स नहीं बनेगा, 3x3 है, हर एक एलिमेंट के लिए पहले तो साइन लिखनी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्रॉस में बच्चों प्लस, बाकी चार जगह पे माइनस, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, और इसमें हमें जो है 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स मिलेंगे, यानी थोड़ी वैल्यू ढूंढने का काम ध्यान रखने लायक है। और सब स्टार्टिंग में करना क्या है, पेंसिल रखनी है बच्चों, सिंपली हम ऐसे उसको कवर करेंगे, डिलीट करेंगे रफली सेइंग, ठीक है। तो 5 वाले एलिमेंट की जगह पे खड़े रहने का, डिलीट द रो एंड द कॉलम कंटेनिंग 5, -6, 4, 7, 2, ये 5 एलिमेंट कैंसिल होंगे, बचेगा क्या, तो पहली लाइन में 4, -3, ठीक है, रो कॉलम कैंसिल करो, पहली लाइन 4, -3, दूसरी रो आपको दिख रही होगी 1 एंड 6, देखिए मैं ऐसे ही आपको समझाने का ट्राई कर ही रहा हूँ, ठीक है, 1, 6 हुआ, देन सेंटर में आते हैं -6, समझ में नहीं आता है बच्चों, तो हमारे पास हमारी पेंसिल होनी चाहिए, मैं ये ब्लू पेन यूज़ कर रहा हूँ एज योर पेंसिल, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, तो सिंपली सीधा दिख जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, रो कॉलम डिलीट करो, तो 7, -3, 2, 6, मगर इसमें थोड़ा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा, तो वो कष्टदायक लगे तो प्रॉब्लम होता है, बाकी तो कोई टेंशन है नहीं, और आपके पास पेंसिल है, मेरे पास तो ये बोर्ड मार्कर है,
तो गड़बड़ हो भी जाती है, ठीक है, मिटाने के बाद मुझे चेक भी करना पड़ता है, क्वेश्चन बदला नहीं है, तो आपके लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा, पेंसिल तो आप इरेज इजीली कर सकते हो। तो रो कॉलम डिलीट करेंगे इसमें से पास होती हुए एलिमेंट्स में से, तो बचेगा क्या, तो 7, 4, 2 and 1, ठीक है। सो 5 - 6, 4, ठीक है। तो पहली रो का काम हो गया, ये काम हमने आगे भी किया था अभी जब मैंने आपको कोफैक्टर माइनर समझाया तब। बाकी की रोज के लिए जो काम करना है तो आप ऐसे बॉक्सेस पहले से प्रिपेयर करके रेडी रख सकते हो ताकि सीधा एलिमेंट्स ही रखने पड़े, दैट इज ऑल्सो ओके। फिर मैं आपको टेक्निक भी सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्टकट कि एक रो पहली रेडी हो तो दूसरी रो के साथ तीसरी रो कैसे फ्री हो सकती है। फिलहाल हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, डिलीट द रो एंड द कॉलम कंटेनिंग एलिमेंट। थोड़ा मैं इजी काम कर रहा हूँ, यानी ये कैंसल हो जाएंगे तो ऊपर वाला -6, 4 मिलेगा हमें, नीचे वाला 1, 6 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी काम हो सकता है, यूज योर पेंसिल इंस्टेड। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक रेगुलर मेथड से करो, बीच में है तो पूरा इस तरह से शेप बनेगा। तो 4 कॉर्नर के एलिमेंट्स है वो यहाँ पे हमें मिलेंगे 5, 4, 2, 6। देन अब -3 के लिए जाते हैं, -3 वाली जगह पे, ठीक है। तो डिलीट द रो एंड द कॉलम, इस तरह का शेप होगा, रो कॉलम डिलीट होगी, बचा क्या, तो 5 - 6। 2-3 बार ऐसा लगता है तो घूम आने का, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम 2-1। इसमें एक फैक्ट भी है, इसमें सेकेंड लाइन 1-6, 1-6 है, 2-6, 2-6 है, वो 2-1, 2-1 है, ये हमेशा सेम मिलेंगे। फर्स्ट रो के सेकेंड लाइन और सेकेंड रो की सेकेंड लाइन दोनों सेम मिलेगी, ये थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें कुछ ज़्यादा सस्पेंस वाला नहीं है क्योंकि एक रो कैंसिल करते हो तो कुछ तो बचेगा, तो उसमें लकीली ये दोनों सेम मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 2 के लिए जाते हैं, तो कॉर्नर बनेगा बच्चों, ये कॉर्नर डिलीट होगा, 5 एलिमेंट्स बचे हुए एलिमेंट्स लिख देने हैं, ठीक है, यानी बचेगा क्या, तो -6, 4, रो कॉलम डिलीट करो एंड 4 - 3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 1 वाले एलिमेंट के लिए डिलीट द रो एंड कॉलम, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करने के बाद प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको ऑटोमेटिक ऐसे ही दिखेगा जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे 5, 4 पहली लाइन, 5, 4 के बाद 7 - 3, 2-3 बार घुमाने का। लास्ट एलिमेंट 6 के लिए रो कॉलम डिलीट करो, यानी 5 - 6, रो कॉलम डिलीट करो 7, 4, ठीक है। सो बेटर है कि आप पेंसिल से ही ऐसे सर्कल करो, इरेज लाइंस ड्रॉ करो, फिर एलिमेंट्स लिखो, फिर मिटाओ, एक दो सम में ये काम करोगे तो फिर रेडी हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब जो है थोड़ा मेहनत का काम है क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो सीधी तो आपको पता चलेगी नहीं, तो और थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा साइड में, और 4 जगह पे बच्चों साइन चेंज हो सकती है, -, -, -, -, उसके अलावा बाकी जो जगह है वहाँ पे चांसेस नहीं है, क्योंकि जो भी आंसर आए प्लस साइन अप्लाई हो तो प्लस प्लस भी प्लस होगा, प्लस माइनस भी माइनस, 4 जगह पे चेंज हो सकते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो हर एक के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, पेंसिल रखनी है जैसे मैं कर रहा हूँ, 6 × 4 दैट विल बी 24, पहला प्रोडक्ट आया, -1, 3 × -1 प्रोडक्ट -3, यूजुअल साइन क्या होगी, माइनस, तो ये 24 + 3 यानी होगा 27। लिख के काम करोगे रेडी हो जाएगा। सेकेंड रो में आते हैं, इसे हटा देने का फिर पेंसिल से, 7 × 6 यानी 42, दी अदर प्रोडक्ट इज -6, यूजुअल साइन माइनस, यानी बीच में होगा प्लस, 42 + 6 यानी 48, बट आगे साइन है बाय डिफॉल्ट हमारी वो माइनस है, तो वो आंसर आपको माइनस मिलेगा, ठीक है। तो जब इस स्टेप में आप रेडी करते हो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, नेक्स्ट जब मैट्रिक्स का ब्रैकेट लिखते हैं तब 4 जगह पे पहले माइनस करना है फिर कैलकुलेशन शुरू करना। ऐसा सोचेंगे कि मैं कैलकुलेट करके फिर माइनस के साथ लिखूं तो चांसेस ऑफ एरर रहते हैं, तो ये प्रोसेस थोड़ी ध्यान रखनी है। अब तीसरा एलिमेंट 7 × 1, 7, दी अदर प्रोडक्ट 8, यूजुअल साइन माइनस, यानी यहाँ पे आंसर आएगा -1, और प्लस लिखो तो भी आंसर माइनस ही आता है, इसलिए हमने आगे प्लस साइन लिखी नहीं है। यहाँ पे आते हैं अब सेकेंड रो में, यानी लिख के काम करना है, -6 × 6, 36, दी अदर प्रोडक्ट इज 4, यूजुअल साइन इज माइनस, सो ऑल दो -40 है, आगे माइनस साइन बाय डिफॉल्ट है ही हमारी। सिमिलरली 5 × 6, 5, 6 = 30, 2, 4 = 8, साइन माइनस, 30 - 8 यानी 22। लिख के काम करोगे बच्चों तो मार्जिन ऑफ एरर ऑलमोस्ट 0% या गलती होने के चांसेस है ही नहीं, मगर लिख के करना पड़ेगा। 5 × 1 = 5, दी अदर प्रोडक्ट इज -12, यूजुअल साइन माइनस, 12 + 5,
17, बट आगे साइन है माइनस, ठीक है। दूसरी रो का काम हो चुका है, अब तीसरी रो में जाते हैं बच्चों। माइनस माइनस प्लस 18, 4 4 16, यूजुअल साइन माइनस, आंसर आया प्लस 2, ठीक है। 5 3 माइनस 15, द अदर प्रोडक्ट 7 4 28, यूजुअल साइन माइनस, सो दिस इज माइनस 43, बट वी हैव माइनस साइन, तो बाद में ये होगा प्लस। सीधा प्लस लिखने की जल्दी मत करना, नेक्स्ट एक और स्टेप करेंगे, जल्दी क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एलिमेंट, द लास्ट एलिमेंट 5 4 20, द अदर प्रोडक्ट माइनस 42, यूजुअल साइन माइनस आता है बीच में, तो माइनस माइनस प्लस होगा 62, ठीक है बच्चों। तो सभी वैल्यूज हमने ढूंढ ली है, मगर ये लिख के पेंसिल से उसी वक्त हर सम में इसी तरह से काम करना है, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, गलती नहीं होगी। सो 27 माइनस 48 माइनस 1, दिस इज प्लस 40, 22, दिस इज माइनस 17, 2 प्लस 43 एंड 62, ठीक है। तो वैल्यूज जो है बच्चों हमें मिल चुकी है सभी की सभी, अब हमें पता है करना क्या चाहिए, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, कहीं पे भी एडजॉइंट का नोटेशन नहीं लिखना है जब तक हम ट्रांसपोज अप्लाई ना करें, अप्लाइंग ट्रांसपोज या फिर लिख सकते हैं टेकिंग ट्रांसपोज, और जैसे ही ये लिखा तब लिखते हैं हम नोटेशन हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का। इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, 27 माइनस 48 माइनस 1, 40, 22 माइनस 17 एंड द लास्ट 2, 43 एंड 62। तो बच्चों ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का एग्जांपल। अब बच्चों सेम ऐसा ही एग्जांपल हमें दिया हुआ है पहला, वो आज का जो काम हमने किया बच्चों होमवर्क में करना जरूरी है, तो ही हमारा वर्क रेडी होगा। दो सम मैंने करवाए हैं, वैसे ही बाकी बचे हुए उसके दो सम आपको करने, 22 का सेकंड नंबर हमने किया बच्चों, तो फर्स्ट आपको होमवर्क में करना होगा, ठीक है, एंड 23 का भी आपको फर्स्ट करना होगा आज के सेक्शन में, ठीक है। तो एडजॉइंट का पार्ट जो है वो मैंने समझाया है, नेक्स्ट में अब इसी का इस्तेमाल करके हमें इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ढूंढना है, वो है क्या, तो वो हमें देखने के लिए वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर का बच्चों, ठीक है। तो आज के सेशन में यहाँ तक का काम रखेंगे, जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।